नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद आज कांग्रेस विधायक जयपुर से रवाना हो गए। विधायकों की रवानगी से पहले अविनाश पांडे ने मीडिया से बातचीत की और दावा किया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। पांडे ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस दूसरे दल का समर्थन करेगी और फिलहाल आलाकमान के निर्देश पर कांग्रेस की भागीदारी पर चर्चा हुई है। कांग्रेस अपने सिद्धांतों के आधार पर ही किसी का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने को लेकर कल अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है और एक दो दिन में पूरी स्थिति यहां साफ हो जाएगी। तो बड़ा बयान यहां पर अविनाश पांडे की तरफ से दिया गया है महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर, जिसमें अविनाश पांडे ने कहा है कि पूरी तरीके से अब यह तय है कि कांग्रेस ही सरकार महाराष्ट्र में बनाएगी और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए हम दूसरे दलों का अपनी शर्तों पर समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र की सरकार बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे और उसी के श्रृंखला में कल बंबई केंद्रीय नेतृत्व से माननीय अहमद पटेल जी, माननीय खड़गे साहब और माननीय केसी वेणुगोपाल जी, ये तीनों कल बंबई गए थे। बंबई में उन्होंने माननीय शरद पवार जी से और माननीय उद्धव ठाकरे जी से उन्हें संपर्क किया और यह तय हुआ कि आने वाले दिनों में एक दो दिन के अंदर जो भी एक लीगल जो एक्शंस हैं उसी के साथ साथ सरकार को बनाने गठन करने के लिए जो आपसी बातें करनी है वो एक दो दिन में उस पर सुनिश्चित कर लिया जाएगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा अभी रिसोर्ट से बाहर निकले हैं, जो कि विधायक जो महाराष्ट्र कांग्रेस की विधायक है वो अब महाराष्ट्र के लिए रवाना हो रहे हैं। क्या चर्चा हुई है, क्या बात हुई है, हम रघु शर्मा जी से बात करते हैं। सर क्या रहा लास्ट दिन है, विधायक जा रहे हैं, क्या फाइनली हुआ? फाइनल पार्टी एकजुट है सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में। जो विधायक हमारे 44 जीत के आए हैं उनका समर्पण है नेतृत्व के प्रति, पार्टी की नीतियों के प्रति, और सब एकजुट होकर जो जिम्मेदारी महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव जीता के इनको दी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में नहीं रहे कि वो किसी तरह की जो जिस तरह की उनकी खरीद फरोख्त की राजनीति चलती है उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, जनादेश उनको मिला, सरकार क्यों नहीं बना पाए इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता उनसे लेगी। तो क्या आप कांग्रेस विधायक जो शिवसेना और एनसीपी है उनके साथ सरकार बनाएगी? देखिए ये पार्टी आलाकमान तय करेगा, हमारी पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी तय करेगी क्या आगे का भविष्य होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का एक एक विधायक एक एक कार्यकर्ता हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अनुशासित है, एकजुट है और पार्टी के सिद्धांतों के प्रति समर्पित है। कहा जा रहा है कि कुछ विधायक तो सरकार के साथ भी जाना चाहते थे, शिवसेना जो सरकार बनाना चाह रही थी उसके साथ, लेकिन ये सब मीडिया की उपज है। पार्टी के विधायक खुद नहीं तय करते हैं, पार्टी तय करती है, आलाकमान तय करता है, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करती है, हमारी वर्किंग कमेटी तय करती है। राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है, क्या दोबारा चुनाव होंगे या फिर सरकार बनेगी? देखिए ये सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सारी बातों के बारे में विचार विमर्श कर रहा है और अब जल्दी ही कुछ न कुछ सकारात्मक इसका परिणाम देखेंगे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि कुछ न कुछ सकारात्मक निर्णय निकलेगा क्योंकि आला कमान की ओर से जो भी निर्देश हो गए वो बिल्कुल पॉजिटिव हो गए। कैमरा पर्सन संजय कुंबरे के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। आशीष, जी मीडिया संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्योंकि लगातार जो घटनाक्रम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, अब जिस तरीके का दावा अविनाश पांडे की तरफ से किया गया है इसे लेकर किस तरीके के अपडेट्स फिलहाल मिल रहे हैं और क्या अब ये तय मान लिया जाए कि तमाम जो बातचीत है वो पूरी हो चुकी है और अब फाइनल अनाउंसमेंट बाकी है? देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि महाराष्ट्र के जो विधायक है बीएल पाटिल अभी एयरपोर्ट पहुंचे थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि आला कमान पूरी तरह से तैयार है गठबंधन के लिए, तो उनका बड़ा बयान सामने आया है कि पूरी तरह से आला कमान तैयार है, यानी कि सोनिया गांधी गठबंधन के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि जिस तरह से एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे और लगातार यही बातें सामने आ रही थी, दोनों जो पार्टी है उनसे भी लगातार बातचीत जारी थी, लेकिन उनका ये बड़ा बयान सामने आया है, तो ऐसे में क्या यही माना जाए कि जो महाराष्ट्र में जो
कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन अब हो चुका है, लेकिन फिलहाल जो है औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। विधायक यहां से मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं और कुछ ही देर में तमाम जो विधायक है वो भी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार 5 दिन से उनका जयपुर में डेरा डाले हुए थे और लगातार वहां पर मंथन चल रहा था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सोनिया गांधी ने उनसे बातचीत की थी और उनकी राय जानी थी, लेकिन अब तमाम जो विधायक है पार्टी के इशारे के बाद में अब जयपुर से मुंबई के लिए रवाना होंगे और कुछ विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं और जो बस थी रवाना होनी थी वो कुछ ही देर में अब जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली है। तो होटल से बस रवाना हो चुकी है और तमाम जो 44 विधायक हैं वो चार्टर प्लेन से जयपुर से मुंबई के लिए। आशीष, अभी अभी इन विधायकों के साथ साथ कौन कौन जो है मुंबई के लिए रवाना हुआ है? देखिए अभी फिलहाल ये जयपुर में ही मौजूद है तमाम विधायक, लेकिन जयपुर से अब सभी विधायक जयपुर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। तो थोड़ी देर में जो बस जो है वो होटल से रवाना होती हुई यहां पर नजर आएगी और तमाम जो विधायक है 44 विधायक वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, यानी कि जयपुर एयरपोर्ट से और होटल के बीच में अभी वो सफर तय कर रहे हैं और उनका सफर अब मुंबई की तरफ जाएगा, यानी कि एक पार्टी के आलाकमान के इशारे के बाद में वो जयपुर से मुंबई के लिए रवाना होंगे। तो जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात जो है आशीष की जा रही है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर क्या ये माना जाए कि अभी जो तीनों ही संगठन है, तीनों ही जो पार्टियां हैं, वो अभी बात करेंगी इस पूरे बस्ते को लेकर, या फिर अभी कांग्रेस जो है अपनी तमाम स्थितियों को एनसीपी के साथ जो है वो समेट रही है? देखिए वैसे तमाम जो पार्टीज है वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है, तमाम जो पार्टीज है एक दूसरे पर ही जो है निशाना साधने की कोशिश कर रही है और तमाम जो पार्टीज है उनके विधायकों की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं। वाकई ये बड़ा सवाल उठता है क्योंकि इन तीनों के ही गठबंधन के बाद में ही महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, लेकिन बीएल पाटिल का ये बयान सामने आया है कि आला कमान पूरी तरह से तैयार है गठबंधन के लिए। तो क्या माना जाए, क्या एनसीपी शिवसेना भी गठबंधन के लिए तैयार है? क्योंकि लगातार यही सवाल जो है पूरा देश अभी कर रहा है। तमाम जो विधायक है वो जयपुर से एयरपोर्ट के लिए कुछ ही देर में अभी रवाना होते हुए यहाँ से जाएंगे। आशीष, अगर सबसे बड़ी बात यहां पर देखी जाए तो बीजेपी और साथ ही शिवसेना के बीच में सबसे बड़ी तलखी थी 50-50 फॉर्मूले को लेकर। कहा अब यह जा रहा है कि जिस तरीके से कल भी अहमद पटेल सामने आते हैं और प्रफुल्ल पटेल सामने आते हैं, उनकी तरफ से यहां पर स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उस पर बातचीत होगी और जो कुछ शर्तें हैं, क्योंकि विचारधारा एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो कांग्रेस पार्टी की एनसीपी और शिवसेना के बीच में है, उस पर बातचीत होगी और उसके बाद ही आगे जो है इस पर बढ़ा जाएगा। इन तमाम स्थितियों में कहा यह जा रहा है कि एक 50-50 फॉर्मूला जो है वो तैयार किया जा रहा है, उसे लेकर क्या अपडेट है? देखिए उसके भी लगातार जो है कयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी विधायक या पार्टी का कोई भी आला कमान अपने पत्ते खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता है तब तक कोई भी पार्टी अपने पत्ते नहीं खोलेगी। इससे साफ जाहिर है कि अभी तक भी जो पार्टियों के बीच में मंथन लगातार जारी है, तीनों ही पार्टियों के बीच में जो लगातार चर्चा है वो लगातार जारी है, लेकिन इशारा किया गया है कि जयपुर से आप मुंबई आइए, तो इसका मतलब बिल्कुल, यानी जो पहले विधायक है उन्हें बुलाया गया है और उसी से सबसे ज्यादा जो है इस वक्त आशंका जताई जा रही है कि अब तकरीबन जो चीजें हैं वो फाइनल होने की ओर हैं और अभी कुछ देर के बाद इस बात का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि तमाम चीजें किस तरीके से स्पष्ट होंगी इस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच जिन शर्तों की, जिन डीलिंग्स की बात की जा रही है वो किस तरीके से मैनेज यहां पर होंगी। आशीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। उधर बाड़मेर के बायतू में सांसद हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की गाड़ी पर पथराव का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बायतू आए बेनीवाल ने मंत्री हरीश चौधरी के खिलाफ एक कार्यक्रम में बयान दिया, जिसके बाद देर रात हरीश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी की कार पर पथराव किया। इस दौरान पुलिस ने समर्थकों को वहां से खदेड़ दिया और इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने मंच से खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया। बेनीवाल ने कहा कि हरीश चौधरी को चैलेंज देता हूं। उन्होंने कहा कि हरीश हनुमान जी के पीछे पड़े, उसी दिन में तारे दिखा दिए। बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चाहे राजस्थान में खून की नदियां बह जाएं, लेकिन मैं अब अपनी बात से नहीं हटूंगा। हरीश जी, हनुमान जी से उस दिन में
को यहाँ से चैलेंज देता हूँ, हरीश जी हनुमान जिसके पीछे पड़ा है उसको दिन में तारे दिखा दिए, खून की नदियां बह जाए राजस्थान के अंदर, लेकिन मेरी बात कभी नहीं रखूंगा। खबर जैसलमेर से, जहां पर प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव के घमासान के बीच जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं, वहीं इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया आज सरहदी जिले जैसलमेर के दौरे पर रहे। जैसलमेर पहुंचे पुनिया ने जिला भाजपा संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जिले में निकाय चुनाव के माहौल के संबंध में फीडबैक लिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पुनिया ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस शुरू से ही कन्फ्यूजन में है, जनता सरकार की एक साल की विफलताओं का जवाब देते हुए इस बार भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी और निकाय चुनाव में कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री पर हमले की निंदा भी की। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल निकाय चुनाव में जीत को लेकर अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जैसलमेर दौरे पर हैं। आज उन्होंने जैसलमेर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, जैसलमेर में भाजपा के पार्षद उम्मीदवारों से मुलाकात की है, फीडबैक लिया है। सर, किस तरह से निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में जो है वो भाजपा की तैयारी? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अरसे से इस चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी और हमने बूथ प्रबंधन से लेकर तमाम एक समन्वय समिति के जरिए उम्मीदवारों का चयन, प्रचार प्रसार की व्यवस्था ये सब करी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ज्यादा आशंकित और डरी हुई है। लगभग चार चरण ऐसे हुए जिसमें कांग्रेस की मानसिकता कमजोर दिखती है। पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में, फिर पुनर्सीमांकन के नाम पे, फिर हाइब्रिड मॉडल के नाम पे। सर, अंतिम सवाल है, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जिस तरह का जो है वो घटनाक्रम सामने आया है, क्या कहेंगे? अलायंस को जो है वो शिवसेना ने तोड़ा है और एक अस्थिरता का माहौल जो है वो महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, भाजपा किस तरह से देखती है इस पूरे? उस बात की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। सर, अंतिम सवाल है, महाराष्ट्र की, हमारे लिए लोकतंत्र और स्थिरता ये जरूरी है और इस नाते हम लोगों ने हमेशा वाजपेयी जी के समय गठबंधन की राजनीति को मजबूती दी, उस युग धर्म निभाया और आज भी हम उस बात पर कायम हैं। भारतीय जनता पार्टी तो प्रतिबद्ध है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि देश बिखरे नहीं, लोकतंत्र मजबूत रहे और इसलिए चाहिए कि आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका कोई न कोई संवैधानिक समाधान निश्चित रूप से होगा। पार्टी सरकार इस बात के लिए बराबर चिंतित है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके का सक्षम नेतृत्व मोदी जी का है, कोई न कोई अच्छा समाधान जरूर निकलेगा। बिल्कुल, ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, जिनका साफ कहना है कि महाराष्ट्र संकट पर भाजपा और केंद्र सरकार कोई न कोई हल निकाल लेगी और साथ ही प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको लेकर भी इन्होंने सत्ता पक्ष पर कहीं कहीं वार किया और बताया है कि सत्ता पक्ष जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर फेल है और निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह की घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह की तैयारी चल रही है, निश्चित रूप से निकाय चुनाव में भाजपा पूरी तरह से बढ़त बनाएगी। मनीष रामदेव, जी मीडिया, जैसलमेर। जालौर के भीनबाल में एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने यहां पर भूमि विकास बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुकेश मीणा को 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने कृषि ऋण माफी योजना के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। सुमेरपुर के नेत्रा के समीप से गुजरने वाली जवाई नहर में देर शाम दो युवक डूब गए। रात करीब 12:15 बजे एक युवक का शव करीब 10 किलोमीटर दूर गोगरा माइनर के पास मिला। मृतक की पहचान दिनेश कुमार देवाराम निवासी कोलीवाड़ा के रूप में हुई है। शव को सुमेरपुर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। युवक के डूबने की सूचना पर विधायक जोराराम कुमार के मौके पर पहुंचे और लोगों को युवकों के बहने की खबर का पता चला तो उन्होंने युवकों के कपड़े, जूते और मोबाइल नहर के बाहर देखे। इधर दूसरे युवक देवेंद्र कुमार की तलाश भी देर रात तक पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी था, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका सुराग नहीं मिल पाया और आज भी युवक की तलाश जारी है। उधर खबर नागौर जिले के किमसर से, जहां पर चंपालाल गौड़ की मौत के बाद आज लगातार चौथे दिन भी धरना जारी है। वर्षे 3 दिनों से लगातार वार्ताओं के दौर जारी हैं और उसके बावजूद परिजन और प्रशासन के बीच मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। परिजन किमसर थानाधिकारी को निलंबित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी यहां पर की जा रही है और धरने में पिछले 3 दिन से किमसर विधायक नारायण बेनीवाल भी शामिल हो रहे हैं और अब तक की वार्ताएं बेनतीजा रही और यही वजह है कि कल गुस्साई भीड़ ने टायर जलाकर जाम लगा दिया
हालांकि बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जाम खुलवाया। बहरहाल आज धरने का चौथा दिन है और अभी तक मृतक का पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है। तो वहीं आज नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी धरने में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और उनके साथ रालोपा के तीनों विधायक भी रहेंगे। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बाउंसर लगाने के मामले में जी मीडिया की खबर ने असर दिखाया है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने अस्पताल में प्राइवेट बाउंसर हटाने के निर्देश दिए हैं। डॉ रघु शर्मा ने अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अस्पताल स्टाफ मरीज और तीमारदारों से अच्छा व्यवहार करे जिससे झगड़े की स्थिति पैदा न हो। आपको बता दें कि अस्पताल में बाउंसर्स की तैनाती का मामला जिला स्थान ने बड़ी प्रमुखता से उठाया था। तो वहीं अब खबर का असर यहां पर नजर आ रहा है। राजस्थान की जिस तरीके से खबर को दिखाया गया प्रमुखता से, तो वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बाउंसर्स को अस्पताल से हटाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें सवाल सबसे बड़ा यही था कि आखिर मरीजों उनके तिमारदारों के बीच में बाउंसर्स का क्या काम है। सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती आखिर क्यों यहां पर नहीं की जा सकती है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बेहतर माहौल अस्पतालों में बनाने के लिए मरीजों की सुविधाओं का ध्यान रखने के भी निर्देश यहां पर दिए हैं। बता दें कि जिला स्थान की तरफ से इस खबर को प्रमुखता दिखाया गया था, जिसके बाद इसका संज्ञान लिया गया। चोरों के सादलपुर में पुलिस ने भुजियों की आड़ में शराब तस्करी करते हुए ट्रक को जब्त किया है, जिससे लाखों की अंग्रेजी शराब जब्त की गई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जब्त शराब की अनुमानित कीमत 4 से 5 लाख रूपये आंकी है। आरोपी भुजियों के कार्टन के नीचे शराब छिपाकर बिहार ले जा रहे थे। अजमेर की कृष्णगंज थाना इलाके में स्थित जगदम्बा टावर में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां पर चोर 3 दुकानों को निशाना बनाकर लाखों का माल पार कर फरार हो गए। चोर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चुरा कर ले गए। बड़े दुकानदारों ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। ये जो अपने लेदर प्लस में लेडीज फुटवेयर है और जेंट्स के है जो रिबॉक एडिडास जैसे महंगे महंगे शूज है, अपने पेट पॉइंट की दुकान से जो कुत्तों के यानी डॉग के गले में जो चैन होती है गोल्डन कलर की, वो कम से कम 5 से 7 हज़ार का माल गया है और उनके भी कैश भी गया है। एक मैम की कोई गोल्डन रिंग थी डायमंड रिंग, वो भी गई है। मैं वही बताया ना कि एक के करीब लगभग सारा माल मिला के एक के करीब होगा, एक से अबव ही होगा, नीचे नहीं होगा। उधर अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने डकैती और लूट की योजना बनाते कमल किशोर, विनोद, अशोक, विक्रम और शंकर पर दर्जनों मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर डकैती के काम आने वाले सभी हथियार जब्त कर लिए हैं। आरोपियों ने कोटला इलाके में रेकी की थी और किसी बड़े मकान में डकैती की वारदात करने की फिराक में थे। उधर बारां जिले के राजपुर के निकटवर्ती डांग तालाब से बड़ी मात्रा में पानी का रिसाव होने से किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। पहले फसल बरसात के कारण नष्ट हो गई और अब किसान दूसरी फसल पर आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में तालाब की पाल से होने वाली बड़ी मात्रा में पानी के रिसाव के कारण किसानों की फसलों पर संकट मंडराने लगा है। इससे हजारों बीघा में खड़ी और कटकर पड़ी फसल को नुकसान की संभावना बढ़ती जा रही है और इस संबंध में ग्राम पंचायत भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। सुबेरपुर के मुख्य बाजार स्थित एक कल्ट्री की दुकान की पहली मंजिल के अहाते में देर रात आग लग गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि किसी ने दुकान के पास ही पटाखा फोड़ा था, जिसकी चिंगारी दुकान के अहाते में आग लग गई। राजस्थान सरकार की तरफ से स्वर्णों के लिए दिए जाने वाले आर्थिक आधार पर आरक्षण में छूट की पूरे प्रदेश में वाहवाही हो रही है, लेकिन राजस्थान के बेरोजगारों के लिए यह एक बड़ी मुसीबत भी बन गया है, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया यह लाभ सिर्फ राजस्थान की भर्तियों पर ही लागू रहेगा, जबकि अन्य राज्यों और केन्द्र की भर्तियों में राजस्थान की इस छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा। और ऐसे में राजस्थान के बेरोजगारों के प्रमाण पत्र बनने का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन केन्द्र और अन्य राज्यों की भर्तियों में यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को संपत्ति संबंधी प्रावधान को लेकर राहत मिली, लेकिन ये राहत सिर्फ राजस्थान की भर्तियों तक ही सीमित रहेगी।
ऐसे में राजस्थान में बनने वाले ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र केंद्र और अन्य राज्यों की भर्तियों पर लागू नहीं हो पाएंगे, जिसके चलते अब राजस्थान के बेरोजगारों के सामने दो दो प्रमाण पत्र बनाने की मुसीबत खड़ी हो गई है। केंद्र सरकार के ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले पर राजस्थान सरकार ने संपत्ति और घर के मकान की शर्त में छूट दी है। ऐसे में 8 लाख की सालाना पारिवारिक आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र अलग अलग बनने से बेरोजगारों के सामने समस्या खड़ी हो रही है। शिक्षक विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि अब तक पूरे देश में सिर्फ ईडब्ल्यूएस के एक ही प्रमाण पत्र बन रहे थे, लेकिन राजस्थान सरकार के संशोधन के बाद अब दो प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से बनाए जाने वाले प्रमाण पत्र को लेकर भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। ऐसे में जल्द से जल्द इस असमंजस की स्थिति को साफ करना होगा। देखिए, ये जो आप जनरल वाली बात कह रहे हैं, जो राजस्थान में ओबीसी में आते हैं और सेंट्रल में जनरल में आते हैं, तो उनके लिए केंद्र सरकार सेंट्रल का ही ईडब्ल्यूएस का बनाएगी, क्योंकि वो सेंट्रल का अलग सिस्टम होता है, स्टेट का अलग सिस्टम होता है। स्टेट में जिस कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसी कैटेगरी का उनका परफॉर्मा बनेगा, और सेंट्रल में जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उनका सेंट्रल का ही परफॉर्मा बनेगा। ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बनवाने में सबसे बड़ी समस्या का सामना राजस्थान की कुछ जातियों को करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए बिश्नोई समाज की, तो इन्होंने प्रदेश में ओबीसी वर्ग में माना गया है, जबकि केंद्र में इसी जाति को सामान्य वर्ग में माना जाता है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार की किसी भर्ती को लेकर कोई बेरोजगार आवेदन करता है तो उसे केंद्र सरकार के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जबकि राजस्थान में उसी बेरोजगार का ओबीसी वर्ग में प्रमाण पत्र बना हुआ। राज्य सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले को लेकर जितनी भी शर्तें थी उन्हें हटा दिया गया, लेकिन आज तक भी राजस्थान की कुछ कम्युनिटी ऐसी है जिन्हें ईडब्ल्यूएस का वास्तविकता में फायदा नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं खुद जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम ईडब्ल्यूएस में आते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने जिन प्रावधानों को हटाया है, जो सर्टिफिकेट बन रहा है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से, जैसे एसएससी की जॉब से या यूपीएससी की जॉब से, उनमें वो सर्टिफिकेट काम नहीं आ रहा है, जबकि राजस्थान में हम वैसे ही पहले से ही ओबीसी में ही है। इस पूरे मामले पर विशेषज्ञ अरुण ढाका का कहना है कि केंद्र की तरफ से जो आरक्षण दिया गया था उसके तहत एक ही प्रमाण पत्र बनना था, लेकिन अब प्रदेश सरकार की तरफ से शर्तों को बदलने के बाद राजस्थान में दो प्रमाण पत्र बनवाने जरूरी होंगे, जबकि अन्य राज्यों में एक ही प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा। लेकिन साथ ही कई क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर जातियों को भी थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक आर्थिक शर्त के बाद ये जातियाँ भी सामान्य में मानी जाती है। सामान्य में होने के बाद भी इनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो क्या केंद्र सरकार की वैकेंसी निकलेगी उसमें भी क्या वैलिड होगा? अगर वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान के बेरोजगारों को काफी सफलता मिलेगी और काफी अग्रणी रहेंगे। और वो तो चले इसी बीच आपको दिखाते हैं विधायक जो जयपुर में रखे हुए थे, महाराष्ट्र कांग्रेस के जो विधायक हैं, मानते हैं उनको भी पूछो। तो जयपुर में हलचल लगातार तेज यहां पर नजर आ रही है। जो विधायक हैं मुंबई के लिए रवाना यहां से हो रहे हैं। आपको बता दें कुछ देर पहले जिस तरीके से अविनाश पांडे ने दावा यहां पर किया है कि सरकार जो है वो कांग्रेस के सहयोग से ही महाराष्ट्र में बनेगी, लगातार अपडेट इस खबर पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। वही तमाम खबरों के लिए आप जी राजस्थान की वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं, www.zeerajasthan.com पर। नमस्कार। नेहरू चाचा, प्यारे चाचा, बच्चों की आंख के तारे चाचा, देश की खातिर जीना मरना, यही आपने हमें सिखाया। सदा सभी से प्रेम से रहना जीवन का उद्देश्य बताया। कभी न छोड़ो सच की राहें, चाहे जितनी बाधा आए, बढ़ते रहना आगे आगे, मुश्किल चाहे जितनी आए। ऐसी शिक्षा हमें आपसे मिली, यही सौभाग्य हमारा। मरकर भी हो गया अमर जो चाचा नेहरू सबका प्यारा। नेहरू चाचा, प्यारे चाचा, बच्चों की आंखों के तारे चाचा। 14 नवंबर बच्चों को समर्पित भारत का राष्ट्रीय त्योहार। समृद्ध भारत, खुशहाल राजस्थान।